तो ये तो निकालने पड़ने ना बच्चे, ये किसको देंगे हम? सर मैगजीन पाउडर भी नहीं डाल सकते, मैगेट्स तो डेड है। अब ऐसा लग रहा है कि किसी ने ट्रीट किया है क्योंकि डेड मैगेट्स निकले हैं। हाँ, कल ट्रीटमेंट हुई थी ना, बच्चों ने करवाई थी। कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसे रेस्क्यू किया था, लेकिन उनके लिए इसकी केयर करना मुश्किल था। वहाँ पर प्रॉपर वेटरनरी फैसिलिटी भी नहीं थी, और इसकी कंडीशन देख के उन्होंने भी लगा कि नहीं, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना ही इसके लिए बेहतर होगा। अच्छा, ये बार बार निकालने दो ना, ये दो। ब्रश से ये जरूर निकाल देना, ऊपर जो इतनी झुंड लग रखा है ना प्लीज का। देखो इसके इंजरी अंदर लगे के मैगट्स का। हाँ नहीं मेरे बच्चे, ये देखो, ये कौन, ये जो तुझे खाएगी मन्नू, खा जाएगी ये तेरे को। ये जो जीजी हैं, ये देखो प्लीज से। ये तो बुरी लगती है यार, खून चूसती है ये। हाँ फॉस्टर कर लेगी इसको, क्योंकि यहाँ पर रखने से मतलब इसको जो इंटेंस केयर चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। घर पे रहेगा तो शायद ज़्यादा अच्छे से रिकवर करे और स्ट्रेस फ्री रहे। किसने दूध पिलाया यार? मैं सोच रही हूँ उसके साथ कौन सा पेरेंट है। बश 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 बश, अरे लड़की है छोटी सी तो अभी ये ठीक हो जाएगा, पर ये ब्लाइंड रहे। हाँ जी, और नेहा की कोई फ्रेंड है जो कि उसको अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड है, एनिमल लवर है, इस टाइप के काम करती है। हाँ सब पता है, तो नानू अडॉप्ट तो हो जाएगी, और उसके लिए अगर कोई ब्लाइंड डॉग हार्नेस जैसा देसी जुगाड़ बना दे तो उसको चोट लगने का खतरा भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ हैप्पी बताओ बड़े सारे। एक तो रिलीजेस बर्डी, सब सही है? चल बर्डी, क्या पैदल ले जाओगे घर तक? हाँ जी, मैंने मिशन किया है कि मैं इसको घर तक पैदल छोड़ के आऊंगा। लेकिन ठीक है, उसके केयर टेकर भी कम अच्छे नहीं है वहाँ पे। उसके टेल में फ्रैक्चर था है ना, और काफी सीरियस था, गैप बन गया था वहाँ पर, बोन ही नहीं थी है ना। उसकी टेल एम्पिटेशन सर्जरी भी हमने काफी वेट करने के बाद की थी, क्योंकि ये बहुत वीक थी जब आई थी। हमारे आगे के कंसर्न के लिए ये होगा हर्निया इसका। हाँ। लेकिन वो हम अभी ऑपरेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर अभी रेनी सीजन है ना, और वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, हाइजीन उतना नहीं हो पाएगा। करना तो है सर्जरी, लेकिन हम बाद में करेंगे, 2-3 महीने बाद जब वेदर ठीक रहेगा। तो ये वापस आएगी हमारे पास होपफुली हर्निया के लिए ना। हाँ नहीं जाना चाह रही, नहीं चलना चाचा चा ले जाएंगे। देखिए ब्रिज से गिर के नीचे गिरी है। कितनी बड़ी है, कोई आइडिया आपको? कुछ 3 महीने की। उठ पा रही है, खड़ी हो रही है? नहीं नहीं ऐसे। और बाकी जो उसके लोग हैं, ओनर्स हैं और जो फैमिली है, चले गए सब? खच्चर है ना, कल शाम से पड़ा है वो। हाँ। और रात भर पड़ा हुआ था, शाम से 6 बजे उठा के फिर हमने शेड में डाल दिया। तो उसके जो ओनर थे वो लोग आपके साथ थे? रेस्क्यू पे जा रहे हैं, और हमारे साथ नाशिक मदना आपके वॉलंटियर आले हैं। क्या नाम? मयंक। एक्साइटमेंट तो खूब है, एक्साइटमेंट तो बहुत है, एक बार तो रेस्क्यू पे जाना ही था, आज हो गया। ये वाले ब्रिज से नीचे गिरा था शायद, बोल रहे थे वो। बड़ी बेवकूफ कोई नहीं बेटा, हो जाएगा ठीक। भैया अगर आपको वो लोग दिखे तो उनको प्लीज भेज देंगे, एटलीस्ट भले ही काम का नहीं है लेकिन उधर भेजना है उनको। हाँ भेज दो अगर हो सके तो। आएगा नहीं वो, हमारे पास आएगा ही नहीं वो। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं दे दिया वो, देखूंगा। बेटा 2 मिनट हो गया, घबरा रहा है बहुत ही है। दो ही शब्द है जैसा ओनर
बेपरवाह ओनर सर की। कैमरा पे नहीं बोल सकते। कल से कुछ खाया भी नहीं होगा इसने। पेन में है बड़ी ज्यादा। बहुत तो। क्या हुआ? खराब है हालत बहुत ज्यादा। चलो चल उसके बाद आओ। जहाँ तक तो फ्रैक्चर लग रहा है ना। साहिल के इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि भाई अनुभव से मैं आपको जवाब दे तो सकता हूँ पर मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पेन में तो है अभी इतना पता, पीछे वाले एक बार पेन दिख तो रहा है। हिप जॉइंट टूट गया। टूट गया दो अलग पीसेस तो अभी लग नहीं रहे पता क्योंकि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन ये जॉइंट पूरा डिसलोकेट हो गया है। एक बार परेक्टल करके देख लेते हैं। मतलब अंदर से देखते हैं। अच्छा नहीं हो पाएगा खड़ा कभी नहीं कभी नहीं। स्पाइन भी गई है और दोनों हिप जॉइंट डिसलोकेट हो गए। ट्राई तो कर रहा है ना डॉक्टर साहब खड़े रहने का उठने का ट्राई हो रहा है। पीछे वाला पोर्शन पैरालाइज है। यूरिनेट नहीं कर पाएगा डेफिकेट नहीं कर पाएगा। पेन रिलीफ चलेगा मतलब पेन मैनेजमेंट ठीक कर पाएंगे ना। हम तो उसको खड़े भी नहीं कर सकते ना तो है ही। और ऐसे में ब्लोट भी होगा जब तक पड़ा रहेगा ऐसे लगातार। वो तो पेट की मूवमेंट अगर नहीं होगी वो तो फिर ऐसे ही ऐसा होगा कि अगर रात भर अगर ये पड़ा है तो कल सुबह तक सडन डेथ हो जाएगी क्योंकि स्टमक बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो उसको मुक्ति ना दे दे। हमारे बस में होता अगर इतना सफरिंग देखते तो जरूर बट नहीं कर सकते ना। अब मुक्ति देना यानी कि जो जानवर बहुत दर्द में है और उसका इलाज मुमकिन नहीं है उसको एक पेनलेस डेथ देना। इस बारे में हमारा समाज तो दो भागों में बटा ही हुआ है पर कानून भी कभी 100% इसके बारे में क्लियर नहीं था। ये तो भला हो AWBI आएगा कि अपनी मार्च की एक नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी वेट जरूरत पड़ने पर एक एनिमल को तरीके से यूथनाइज कर सकता है और उसका दर्द खत्म कर सकता है। बस को आपने वहाँ छुड़वा दिया है हॉस्पिटल। जो सूचर लाइन थी वो ठीक हो चुकी है पूरी। सूचर रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पे हर्निया की सर्जरी हुई थी ना इसकी। ये प्रेग्नेंट थी है ना। इनिशियल स्टेज था काफ़ी ज़्यादा तो वो इंड्यूस करना था बेबी वो भी हो चुका है। अभी बस ये है कि जब तक ये थोड़ी हेल्थ इसकी वापस से ठीक नहीं हो जाती जब तक थोड़ा वेट गेन नहीं कर लेती तब तक हम इसको यहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि पालमपुर हॉस्पिटल में इसकी स्पेस सर्जरी हो जाए। चल 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 चल, 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 चल। आगे और मिलेगा बच्चे चलो चल। ये तो बहुत पतली हो गई ना। हाँ कमजोर हो गई। जिद्दी है क्योंकि ये कितने के फूड ट्राई किए हमने इसके लिए। हर टाइप की घास लगा रही हूँ। क्या नहीं कुछ नहीं खाती नहीं खाती तो दो चार दिन खाती है फिर बंद कर देती है। जो स्नैक्स आते हैं बनाना वो इसको एक्स्ट्रा देते हैं और जो भी बन पड़ता है वहाँ से पपीता पपीता के पत्ते। चल 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 कम ऑन। ये तो बस आ रही है। हम जा रहे थे फिर पीछे से संजय जी वैन लेके आए। अब वो वैन की आवाज़ से ना डरने लगी ना तो वो जल्दी जल्दी चलने लगी। पहले थोड़ा सा धीरे धीरे जिद कर रही थी रुक रुक के चल रही थी उसके बाद बढ़िया तो जल्दी 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 आगे आगे गई है। उसकी फुटेज में देख रहा था कि वैसे भाई वैसे तो लड़कियां डोली में जाती है बस को देख कर तो अपनी डोली साथ लेके चली गई। वेलकम टू न्यू हॉस्पिटल। बस का फेवरेट फूड। दबंग का आई चेकअप क्यों था? सर दबंग की दोनों आंखों में रेडनेस है काफी ज्यादा। दबंगी मेरी हुड़दंगी बाश दबंगू मेरा हुड़दंग। रेडनेस तो है हाँ। राइट में ज्यादा लेफ्ट में कम है। मोस्टली तो कंजक्टिवाइटिस ही लग रहा है मुझे कि और कोई सिम्टम्स ने शो नहीं किया अभी तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोस करना मुश्किल हो जाएगा किसी और चीज से भी। अभी हम कंजक्टिवाइटिस के हिसाब से ही ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो अभी हम ये आई ड्रॉप इसके डालेंगे मतलब रोज डेली। दिन में कितनी बार? चार बार। ये अभी हम क्या लेंगे इसको? पिछला वाला जख्म ठीक करेंगे। डॉक्टर मुंशी इंजरी बस हो बेटर हो रहा है अभी या नहीं? हाँ तो बहुत छोटा सा बच्चा मीन्स ये पहले टेस्टिकल वाली इंजरी के लिए आया था अब वो टेस्टिकल वाली इंजरी की छोटी सी बच्ची है और आई की प्रॉब्लम इसको नहीं शुरू हुई है। पहले तो एक आंख में थी हमें लगा इसकी अपना कौन है अभिषेक की आंखें लाल होती है रोज उसका रीजन क्या है हिमाचल में ना एक तो इसका बड़ा खतरा रहता है दूसरे दूसरे कारणों का।
झिलमिल की इन्होंने स्पेस सर्जरी कर दी है। देखो देखो देखो, खतरा तो रहता है सर्जरी का, बट अब यही है कि करानी वो ज़रूरी है। जब चटोरी की हुई थी तब भी मैं बहुत सैड हो गया था, अब झिलमिल की हुई है तो भी ऐसे वो है। और तो नेहा उसको भी ध्यान रख रही है उसका, ठीक है। हाँ जी झिलमिल ठीक है बिल्कुल। सुशांत जी ने झिलमिल को रेस्क्यू करा था। झिलमिल इसने पहचान लिया। हाँ इसके ऊपर कोई गाड़ी वाला इसके टांग पे चला गया था, तो हमने इधर पीपल फार्म में कांटेक्ट किया, फिर टेलीग्राम पे डेट करनी पड़ी। अभी हमने अभी स्टेरिलाइजेशन सर्जरी कर लिया। इसकी स्प्रे हो गई, बड़ी होनी शुरू हो गई। बहुत शैतानी करती है, लुंगी चप्पल लेके भाग जाती है। यस एक्टिव, अल्लाह करे होश भी उसको बहुत जल्दी आ गया था। झिलमिल के दिमाग में फर्क है, झिलमिल थोड़ी पागल है। और मुझे लगता है जो लोग थोड़े पागल होते हैं ना, वो झटकों से जल्दी उबर जाते हैं। मेरा तो यही अनुभव रहा है औरों को देख के। ओके एंड लास्ट हमारी रही तुम्हारी चंदा, तुम्हारे को ये लगा दूं माइक? लगा ले। कैसे लग रहा है तुम्हें आज माइक लगवा के? बढ़िया लग रहा है सर। विक्की वाला क्वेश्चन था थोड़ा ये। तो अब इसका प्रोलैप्स पहले से कम हुआ है बाहर? सर पहले तो जब बैंडेज लगी थी तब तो ठीक था, जब हमने बैंडेज निकाली इसकी, खोली जो बैंडेज, उसके बाद दोबारा प्रोलैप्स आ गया बाहर, तो हमने कल दोबारा बैंडेज कर दिए। अब फिलहाल तब तक करेंगे इसको, तीसरे दिन हम चेंज करेंगे बैंडेज इसकी, जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। दो थे ना, एक इसका वेजाइनल था। हाँ। और एक सर वेजाइनल अभी तक ओके नहीं है, पर जो एनएस वाला है वो ओके है। तो पर, और इसकी ड्यूशिंग कर रहे हो तो इन्फेक्शन का चांस कम करने के लिए। हाँ जी उसी लिए अब ठीक है, प्रोलैप्स अच्छा है, मतलब पहले तो बड़ा गंदा था। मतलब बाकी इसको हम दे रहे हैं अब यूट्रोटोन दे रहे हैं, यूट्रोटोन की जो यूट्रस में जो भी कोई गंदगी होगी, जैसे कोई गंदा होगा डिस्चार्ज के लिए, उसके लिए यूट्रोटोन पिला रहे हैं। हाँ बाकी हमने डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो हम इसका सोचेंगे कि यूट्रस में एक लिक्विड होती है दवाई, वो डालेंगे हम, देखते हैं अब पतीले। कुछ और था नहीं चार दिन से हम लोग इसमें पतीले में लेके घूम रहे हैं इसको। लोग हमसे पूछ रहे हैं आप इसको क्या करने वाले, पतीले में क्यों है। एक डॉग ने इसको अटैक कर दिया था, तो उसका जो राइट लेग है वो पूरा ब्रेक हो गया है। चार दिन पहले हुआ था, पहले हम इसे मैक्लोडगंज लेके गए, फिर धर्मशाला लेके गए, फिर पालमपुर लेके गए, फिर अब इसको हम यहाँ पे लेके आए। इसकी मम्मी वगैरह नहीं है? हाँ इसकी मदर है, इसको अभी दे के फिर इसकी मदर को लेके आएंगे साथ में। स्वेलिंग भी है, पूरा ब्रेक है बीच में से। इसकी इमीडिएट सर्जरी कर रहे हैं? हाँ हम, हमारी कल बात हुई थी ना, एक्चुअली हमने इनको बताया था कि आप पहले एक बार प्लीज़ पालमपुर ले जाइए, एक्सरे करवा लीजिए, वहाँ जो भी डॉक्टर बताएंगे ना, क्योंकि तो इतने छोटे बच्चे के एम्पुटेशन सर्जरी करना, तो हमें लगा अगर और कुछ भी हो सकता है तो एक बार पहले पालमपुर में एक्सरे से पता लग सकता है ना। तो ये पालमपुर गए थे और वहाँ पर उन्होंने भी एम्पुटेशन सर्जरी ही सजेस्ट की है। तो अब हमने इनको पहले बता दिया था कि इसको ऑफ फीड रखिएगा और आज सर्जरी हो सकती है, बस ये थोड़ा बारिश होने लगी ना तो देखना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आज कर लेंगे, नहीं तो हम कल फर्स्ट है मॉर्निंग में करेंगे। कल से बाइक पे घूम रहा है बेचारा, एक्चुअली चार दिन से इसकी तो पूछ खड़ी है पूरी। डरावा सा है। अच्छा डरे हुए पूछ खड़ी होती है? हाँ कई बार डॉग अटैकिंग मोड में होते हैं तब भी उनकी पूछ एकदम वैसी मोटी हो जाती है, खड़ी हो जाती है स्ट्रेट कि हाँ अलर्ट है वो। ये देखो सोच रही क्या बाहर रही भी होगी ना, ये एकदम केज में आ गई है। कहाँ भाग रही है? जा बिल्कुल रास्ता नहीं है भागने। जीरा की बात कर रहे थे ना कि इसकी एम्पुटेशन सर्जरी क्यों नहीं की गई, तो इनिशियली तो इसकी पिनिंग सर्जरी सजेस्ट की गई थी पालमपुर से, लेकिन मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो एम्पुटेशन बताया गया था। अब दिक्कत यह है ना कि हमने उस टाइम पे तो सर्जरी नहीं की, अच्छा हुआ कि प्रॉपरली चेक हम करके ही करते सर्जरी, लेकिन उस टाइम पे वेदर कंडीशंस भी ठीक नहीं थी। ये पैरों पे वेट ले रही है अपने, मतलब हमारे पास हीलिंग के चांसेस अभी भी हैं और सूजन है लेकिन वो बढ़ी नहीं है ना, और ना कोई वुंड क्रिएट हो रहा, तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स और केज रेस्ट से थोड़ा दिन अभी कोशिश कर सकते हैं कि हीलिंग हो जाए। हम इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सरे भी करवा सकते हैं बीच में, और अगर ऐसा होता है तो फिर मंथ और या डेढ़ महीने में कम से कम ये हील हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास स्पिनिंग सर्जरी का ऑप्शन तो तब भी रहेगा ना। उन्होंने चार दिन अपने पास रखा और वो छोटी सी एक गंजी में उसको, मतलब पतीले में लिए घूम रहे थे हर जगह। पतीले को आप लोग क्या कहते हो? गंजी।
हाँ दिस इज लाइक अ छत्तीसगढ़ वाला वर्ड है, मैंने शायद वहीं से सुना है, महाराष्ट्र में बोलते हैं। हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, उनमें कई चीजें फर्क है, कई चीजें कॉमन है, पर मैं चाहता हूँ एक चीज हमारे पूरे देश में कॉमन हो। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा पे गए तो उनके लिए खास शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, तो यही मैं चाहता हूँ कि भाई हिंदुस्तानी नागरिक की ये पहचान हो कि क्योंकि वो एक अहिंसा प्रिय देश से है तो धर्म उसका जो भी है, राज्य उसका जो भी है, खाना उसका शाकाहारी होगा।